चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, पहली बात तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सोलेनॉइड के अंदर जैसे ये पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, ये होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ होगी। ये जो वैल्यू दी हुई है उसके लॉजिक से म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होगी, वो रख दो 4π × 10⁻⁷। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 200 टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर, टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में कितना होना चाहिए? 200 टर्न्स डिवाइडेड बाई 1/100 मीटर ये होगा, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो n की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, टर्न्स पर 1 मीटर हो जाएगा, n की वैल्यू ये हो गई। i की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 2.5, ये तीनों वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे, जैसे ये 2000 रख दी, 20,000 रख दिया, i की वैल्यू 2.5 रख दिया, ठीक है 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये पावर 4 हो जाएगा, ये इसको कर देगा 2 8π × 10⁻⁷, और ये प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 8 कितना होगा 20, हाँ सही है, ठीक है। और 0 को अगर इधर ले जाएं 10⁻²π × 10⁻²² हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करें 6.28 × 10⁻², ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? 6.28 ये वाला, पहले बी वाला, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।